एक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लिश। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो के Y20 फोन के बारे में। हाँ जी गाइस, तो अगर आप भी यूज करते हो वीवो Y20 फोन तो आप अपने फोन में कंट्रोल सेंटर को चेंज करके और कंट्रोल सेंटर में अपना फोटो कैसे ऐड करेंगे। गाइस अगर आप भी अपने फोन में कंट्रोल सेंटर में फोटो को ऐड करना चाहते हो, हम यहाँ से आपको सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ से आईफोन की तरह कंट्रोल सेंटर भी लगा सकते हो और अपने फोन में कंट्रोल सेंटर में फोटो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आपको देखिए ऐसे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो अपने फोन में कंट्रोल सेंटर को ना ही चेंज कर पाओगे ना ही कंट्रोल सेंटर पे अपना फोटो ऐड कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हम यहां से आपको बता रहे हैं, याद रखिए आपको मिल जाएगा साइड में हमारा फोन। एंड गाइस आपको कंट्रोल सेंटर पे अपना फोटो लगाने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो हम देखिए आप प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, सर्च बार में जाना है, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कंट्रोल सेंटर iOS 14, यानी कि iOS 14। तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा तीन चार एप्लीकेशन मिलेंगे, तो बट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना इस एप्लीकेशन को जिसको हम ऑलरेडी अपने फोन में डाउनलोड करके पहले से भी यूज करते हैं और एप्लीकेशन की रेटिंग अभी कुछ खास नहीं है, 100 के प्लस, यानी कि 1 लाख से ऊपर लोग इसको यूज करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन पे लगा दिए। एंड गाइस कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा और यहां से अभी हम आपको बता रहे हैं अपने फोन के कंट्रोल सेंटर में अपना फोटो कैसे लगाएंगे। आपको मिलेगा अलाउ का ऑप्शन, यहां आपको अलाउ करना है और यहां से गाइस बैक आ जाना है। बैक आओगे फिर से आपको यहां मिलेगा अलाउ का ऑप्शन, यहां अलाउ करके फिर से आपको बैक आ जाना है। कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड गाइस आपको देखिए यहां अभी हमारे फोन में फिलहाल कंट्रोल सेंटर ऐड हो चुका है। यहां से देखिए आपको राइट की साइड पहले यहां पे करना है और यहां आपको एक और परमिशन देना होगा। पहले यहां पर गाइस क्लिक करके आपको यहां पर अलाउ कर देना है और यहां से फिर से बैक आना है। बैक आ जाओगे और अभी देखिए यहाँ पे आपको एक और परमिशन देना होगा और यहाँ पे अलाउड है, तो हम देखिए यहाँ पे दे दिए परमिशन। एंड गाइस हम यहाँ से फिर से एक बारी और बैक आते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे फोन में फिलहाल कंट्रोल सेंटर हमारा चेंज हो चुका है, जो कि राइट की साइड से अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन में कंट्रोल सेंटर खुल के ओपन हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे अपना फोटो लगाना ऐड करना चाहते हो तो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं फोटो कैसे ऐड करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करने का ऑप्शन है, सारा कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कस्टमाइज कंट्रोल्स मिलेगा यहाँ पे, सारा कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो यहाँ आपका कंट्रोल सेंटर है यहाँ पर एप्लीकेशन को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ जैसे देखिए हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट और यहाँ आपको मिल जाएगा हमारा फेसबुक फाइल मैनेजर। तो हमें देखिए तीन एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड किया और तीनों एप्लीकेशन हमारे फोन में ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोन के कंट्रोल सेंटर में फोटो कैसे ऐड करेंगे। तो आपको यहां मिल जाएगा बैकग्राउंड इमेज, यहां पर गाइस क्लिक करना और यहां आपको मिलेगा 5-6 ऑप्शन, बट यहां पे आपको करना है क्लिक सिलेक्ट फोन गैलरी। तो यहां पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहां पर गाइस जब क्लिक करोगे और यहां आपके फोन में जितने भी फोटो आपके रहेंगे और उतने आपके फोटो यहां पे खुलकर ओपन हो जाएंगे। आप जिस फोटो को यहां पे सेट करना चाहते हो कंट्रोल सेंटर में सेट कर सकते हो। हम देखिए इसको फाइनली सिलेक्ट करते हैं और यहां आप इसको ब्लर भी करना चाहोगे तो ब्लर भी कर सकते हो। तो हम देखिए इसको फाइनली सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से इसको फोटो को हम यहां पे लेते हैं और यहां पे सेव कर देते हैं। तो सेव कर दिया और यहां देखिए कंट्रोल सेंटर अपना ओपन कर रहे हैं। शायद गाइस अगर आपको हमारे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रही है तो हम यहां पर देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो यहां देखिए हमारे फोन के कंट्रोल सेंटर में हमारा फोटो यहां पे सेट है और यहां पे देखिए आप हमारे फोन में यहां राइट की साइड से ओपन हो रहा है और यहां आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिलेगा लेफ्ट राइट बटन। तो यहां अगर आप लेफ्ट की साइड से करेंगे इधर से आपका कंट्रोल सेंटर ओपन होगा। एंड गाइस और यहां आपको अगर बटन पर गाइस क्लिक करोगे और यहां से देखिए आप डायरेक्टली आप बैक आ गए और यहां से अपना कंट्रोल सेंटर ओपन कर रहे हैं। तो देखने में कंट्रोल सेंटर भी काफी अच्छा है और कंट्रोल सेंटर पर हमारा फोटो भी ऐड है। तो अगर आप भी अपने वीवो के Y20 फोन में कंट्रोल सेंटर पर अपना फोटो लगाना चाहते हो या फिर अपना कंट्रोल सेंटर चेंज करना चाहते हो आप यहां से कर सकते हो। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस तो मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।